तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। यस, तो आज हम लोग सबसे जो है हॉट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो टॉपिक को हम लोग जो है पी एंड सी बोल सकते हैं, ठीक है। परमुटेशन और ये हो गया हमारा ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सिंपली देखिए, मैं आपको दो चीज बताता हूँ फिलहाल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि परमुटेशन के बारे में समझना क्या है। सिंपली ये है, काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, और कॉम्बी ये क्या आ जाता है, और कॉम्बिनेशन जो होता है ना हमारा, कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो काउंटिंग इन सच अ वे, सच अ वे दैट सेम कॉम्बिनेशन नॉट रिपीट, ठीक है। सेम कॉम्बिनेशन नॉट रिपीटेड, ठीक है। ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन और केस वी कैन से कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो हमारे पास, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो चीज़ों को बहुत ही क्लासिफाइड, और कोशिश किया मैंने कि बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपको केस बाय केस सब कुछ समझ में आए, ठीक है। तो मैं आपको जो है सो इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं वो भी बताऊंगा आने वाले टाइम पे, तो आप बस बने रहिए वीडियो में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम बेस से समझना आप, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो चीज़ होता है, दो प्रिंसिपल अभी हमको फिलहाल ध्यान में रखना है। अच्छा, चलिए एक बार जो है उससे पहले हम लोग एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्रिकेट है, आप कैप्टन हैं, ठीक ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। आप कैप्टन नहीं, आप यहाँ पे कोच मान लीजिए अपने आप को, और आपको ये समझिए कि ये चार प्लेयर्स हैं, क्या हैं, चार प्लेयर्स हैं। अब आपको दो प्लेयर चूज करना है, तो कैसे चूज कर सकते हैं आप, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास टू प्लेयर्स चूज करने के, ठीक है। या तो आप ए बी को भेजिए, ठीक है, या बी सी जा सकता है, या सी डी जा सकता है, राइट। अच्छा, एक काम कर सकते हैं ना, ए बी बी सी सी डी जा सकता है, ठीक है। और आप बताइए कि और कौन कौन सा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, अब हम किसको भेज सकते हैं, या तो ए सी चूज कर सकते हैं, या हम ए डी को भी भेज सकते हैं, ठीक है, या हम ठीक है ए सी और ए डी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बी डी को भेज सकते हैं, राइट। ए सी और ए डी, और उसके बाद किसको भेज सकते हैं, बी डी को भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए हम एक काम करते हैं,
जैसे कि अब ए स्टार्ट हुए, अब इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम कैसे चूज कर रहे हैं, ए के बाद बी ले रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ क्या करते हैं, एसी के एसी चूज कर सकते हैं या हम लोग बीडी चूज कर सकते हैं, ठीक, बीडी चूज कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे, ए पे आ जाएंगे, ए के बाद हम किसको किसके साथ डाल सकते हैं, डी के साथ डाल सकते हैं। तो ये चीजें हम इस तरीके से जो है सो अपने प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है, कंफ्यूजन क्या है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये हम कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और थ्योरम्स का जरूरत क्या है, फॉर्मूला का जरूरत क्या है, एनसीआर एनपीआर कब कहाँ पे कैसे लगाते हैं, है ना, इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि चार एग्जाम्पल था तो बड़ा आसानी से हम लोग ने ये मैपिंग कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर 50 गो ऑप्शन दिया रहता तब हालत खराब हो जाएगा इस तरह से बनाने में, इस तरह से सीक्वेंस बनाते चले तो। इसलिए हम लोगों को थ्योरम और फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग हर केस में जो है सो आंसर को फाइंड कर पाए, ठीक है। अच्छा, तो परेशानी यहाँ क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि अब कोई बोलेगा कि सर हम ए बी चूज करते हैं, ठीक है, बी सी चूज करते हैं, सी डी चूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बी सी चूज करते हैं और ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, सी डी चूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, सी डी चूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बोले कि हम जैसे बी ए भी तो ले सकते हैं, तो बी ए एक और केस हो सकता है, लेकिन ए बी बॉलर या बी ए बॉलर दोनों तो सेम ही चीज है, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी हमको ध्यान में रखना है कि जब सेम केस रिपीट नहीं हो, जैसे अगर अभी हम ये अगर बॉलर है या बैट्समैन है या आदमी है, ये आदमी ही है, कि अगर हम ए बी को चूज करें या बी ए को चूज करें, दोनों तो सेम ही है, राइट। तो अगर इन दोनों केस को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी आदमी को चूज करें या बी ए आदमी को चूज करें, बात तो सेम है। आ रहा है बात समझ में? तो इन सब चीजों को ही सीखना है हमको आने वाले क्वेश्चंस में, टाइप्स में, कि कैसे क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे कि, है ना, कैसे क्वेश्चन में हम लोग फाइंड करेंगे कि मेनली ये कि कौन सा फॉर्मूला और कौन सा थ्योरम कैसे लगाना है, इन सब चीजों को स्टार्ट करते हैं सीखना, ठीक है। चलिए दूसरा पेज ले लिया जाए। सबसे पहला जो आप पढ़ी है, ये वाला कलर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल क्या है। देखिए एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी आइदर और का केस दिया रहे, आइदर और का केस हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशन का यूज करते हैं। कहाँ पे उसका कहाँ पे यूज करते हैं, एडिशन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ए है, सॉरी, एक क्वेश्चन नंबर वन है जो कि 10 वेज से सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन नंबर टू है जो कि 15 वेज से सॉल्व हो सकता है, तो क्वेश्चन में अगर दिया रहे हाउ मेनी वेज, अगर क्वेश्चन में दिया रहे नंबर ऑफ वेज, अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि नंबर ऑफ वेज आइदर आइदर क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू कैन बी सॉल्व, ठीक है। तो ये केस क्या है, और का केस है,
आपको ऑप्शन दिया है चूज करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, जब आपके पास ऑप्शन हो कि हम या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो टोटल कितना वे हो गया आपके करने का, तो जो ये केस आएगा कि ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ठीक है, और का केस है, तो ऑलवेज यहाँ क्या होता है कि प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 प्लस 15 25। तो ये इतना छोटा क्वेश्चन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, इतना क्वेश्चन जो इतना छोटा क्वेश्चन जो है सो पूछा नहीं जाएगा। बस हमको, हम लोग सीख क्या रहे हैं इस केस में, हम लोग सीख क्या रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा कंडीशन का एक्चुअली में प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है सो सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। एक तो पता नहीं ढंग से ये पेंटैब पे जो है सो कंप्यूटर का प्रॉब्लम है कि क्या है, इसका चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि अगर वही क्वेश्चन अब दिया रहे, अब ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन वन है ये हमारा 10 वेज में सॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन टू है जो कि 15 वेज में सॉल्व होता है। अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे हैं, अगर पूछा ये जा रहा है कि नंबर ऑफ वे नंबर ऑफ वेज इन विच क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू कैन बी सॉल्व, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ा बात समझ लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली कहा गया है यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू। जब इस टाइप का जब आए कि भैया आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, यू मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों के दोनों कितने वेज में सॉल्व होगा, ठीक है। इससे पहले अगर हम लोग प्रीवियसली जाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि ऑप्शन था, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑप्शन था कि क्वेश्चन वन सॉल्व हो या क्वेश्चन टू सॉल्व हो, ठीक है, क्या हो कि क्वेश्चन वन सॉल्व हो या क्वेश्चन टू सॉल्व हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 गुना 10 गुना 15 क्या हो जाएगा, 150, ठीक है। बात समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए तो एक हम लोग क्या करते हैं कि कंबाइंड एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों को एक बार में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इस वाले प्रयास से जो है आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, इधर देखिएगा ध्यान से, ठीक, आपके पास ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि इधर मान लीजिए कि यहाँ पे एक वे है निकलने का, यहाँ पे दो दरवाजा है, यहाँ पे तीन दरवाजा है और यहाँ पे चार दरवाजा है, ठीक है। अभी भाई साहब आदमी हैं, अब इनको का हम बोले हैं, अब हम टास्क दिए हैं कि आपको यहाँ से बाहर निकलना है, तो ये भाई साहब कितने वे से बाहर, नंबर ऑफ वेज इन विच दैट मैन कैन कम आउट फ्रॉम द
रूम। अब आपके पास देख रहे हैं ऑप्शन है, आपके पास यहाँ ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से एक दरवाज़ा, यहाँ से दो दरवाज़ा, यहाँ से तीन दरवाज़ा, यहाँ से चार दरवाज़ा। तो हम आपको ऑप्शन दे दिए कि आप इन चारों में से कहीं से भी निकल सकते हैं। इधर से निकलेंगे तो आपके पास एक एक प्रकार से निकल सकते हैं, इधर से निकलिएगा तो दो टाइप से निकल सकते हैं, इधर से निकलिएगा तो तीन प्रकार से, इधर से निकलिएगा तो चार वे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जुट जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि आपको हमने ऑप्शन दे दिया, हमने आपको ऑप्शन दे दिया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं राइट, कि ये कहीं से भी निकल सकता है, इज फ्री टू कम आउट फ्रॉम एनी ऑफ द डोर्स राइट। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, दैट कि वी आर गिविंग यू द ऑप्शंस टू कम आउट फ्रॉम द रूम राइट इन अ। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब भी हमारे पास ऑप्शन है तो नंबर ऑफ वेज को जस्ट वी हैव टू ऐड एंड विल गेट द आंसर। ओके सो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखिए, आप यहाँ पे ऊपर थोड़ा बनाया जाए, आप यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है ठीक है, यहां से मान लीजिए कि एक दरवाजा है, यहां पर दो दरवाजा है, यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी मान लीजिए दो दरवाजा है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, यहाँ पांच है, और एक ये पॉइंट ए है और ये इधर पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस आदमी को आना है। अब देखिए दरवाजा नंबर अगर हम ए देखें, दरवाजा नंबर ए, दरवाजा नंबर बी, दरवाजा ठीक है, ये क्या है ए नंबर, ये क्या है बी नंबर, ये क्या है सी, और ये एक्चुअली कहीं जगह लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार दरवाजे हैं, है ना, और चारों दरवाजे से अलग अलग वे हैं। तो सबसे पहले ये आदमी दो वे से जा सकता है राइट, सबसे पहले ऑप्शन इसको क्या ए से बी जाना है, तो सबसे पहले तो इसको पहला चक्रव्यूह तोड़ना होगा। अब पहला चक्रव्यूह तोड़ने का क्या गो तरीका है, या तो ई दरवाजा न तो ई दरवाजा, दू हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास डिसीजन, अब इसको ए से बी आना है तो इसको इस दरवाजे से भी क्रॉस करना है, इस दरवाजे से भी क्रॉस करना है और इस दरवाजे से भी क्रॉस करना है। इसका मतलब क्वेश्चन में और या एंड नहीं दिया है, लेकिन हमको अपने सेंस से तो पता चल रहा है इसको हर कंडीशन फॉलो करना है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर चार वे है, फिर इस दरवाजे से निकलने का चार तरीका और फिर इस दरवाजे से निकलने का पांच तरीका। तो क्या हो जाएगा, पांच चौका 20 20 60 60 दूना 120, तो 120 वे होगा सो दैट ही कैन रीच फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ऐसे चीजों को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है सो चीज को सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि सिटी ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। सिटी ए से बी तक जाने का मान लीजिए पांच रास्ता है, बी से सी का सात रास्ता है और सी से डी का नौ रास्ता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ वेज, पहला बताना है नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू डी, ठीक है।
नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू डी। अब ए से डी जाने के लिए सबसे पहले इसको ए से बी जाना होगा एज पर द क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है, फिर इस भाई साहब को बी से सी या फिर सी से डी। तो ए से डी जाने के लिए बी और सी से भी गुजरना है, इसलिए क्वेश्चन कहने का मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हमको बी और सी वाला भी रास्ता लेना ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं कि हम या तो बी से जाएं या सी से जाएं या डी से जाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का 5 × 7 × 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दे थोड़ा सा, ठीक है, इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू डी राउंड ट्रिप, या दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ए से डू विथ राउंड ट्रिप, तब ए से डी जाने में जो रास्ता है वही डी से ए आने में भी रास्ता है। इसका मतलब कि देखो राउंड ट्रिप का क्या मतलब हुआ, ए टू डी, राइट, ए टू डी एंड देन डी टू ए। ठीक है, देन डी टू ए। तो देखो ए से डी तक जाने में जो रास्ता है वही डी से ए तक आने में भी है, बात वही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 5 × 7 × 9 तो है ही है और उधर से आने में भी इसको सेम ही रास्ता मिलेगा, 5 × 9। अब दूसरा नंबर बात कि अब बात है कि ये तो दो मान लो कि हम लोग यहाँ लिख लिए, लेकिन अब यहाँ के बीच में क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, इसका कैसे पता चलेगा। तो जो जब राउंड ट्रिप बोल रहा है तो ए से डी भी जाना जरूरी है और डी से ए भी आना जरूरी है, तभी राउंड ट्रिप कहलाएगा, इसीलिए यहाँ पे इस वेज में भी गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या डायरेक्ट करेंगे कि अगर राउंड ट्रिप का बात बोले, राउंड ट्रिप का बात बोले तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि लाइक सेम वे कैन बी यूज्ड। ठीक है, सेम वे कैन बी यूज्ड। ठीक, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे अब, है ना। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ए है बी है सी है डी है ई है ना। तो ए से बी जाने में 3 लग रहा है, बी से सी जाने में 4 और सी से डी जाने में 5 और डी से ई जाने में 6। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि हाँ, और एक और इसमें क्या है कि ए से सी जाने का एक और रास्ता क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरह से, और इसका जो वैल्यू दिया गया है वो है 9 और ए से ई जाने का भी रास्ता 13 दिया हुआ है, ए से ई जाने का भी रास्ता 13 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वे फ्रॉम ई टू ई, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ वे फ्रॉम ए टू ई। अब देखिए अब हमको ए से ई जाना है, तो जब ए से ई जाना है तो हम कैसे कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले पहला तरीका क्या है कि हम ए से बी जाएं, बी से सी जाएं, सी से डी जाएं, डी से ई जाएं। जब हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं पहला वाला वे, तो हमको रिस्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि हम बी भी जा रहे हैं, सी भी जा रहे हैं, डी भी जा रहे हैं और ई जा रहे हैं। इसका मतलब ए से ई जाने के लिए अगर हम पहला तरीका चुन रहे हैं तो सब गुना होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली हमको बी सी और डी से भी होकर गुजरना है।
तो सिंपली मैम शुरू से एक ही चीज बता रहे हैं, है ना, 3 गुने 4 गुने 5, 5 गुने 7, ठीक है। चलो पहला वे। अच्छा अब यहाँ पर क्या है बुआ, आपके पास ऑप्शन भी है ना, आपके पास क्या है ऑप्शन भी है। पहले क्या था स्ट्रिक्टली था, अब क्या है कुछ ऑप्शंस भी दिए कि नहीं, हम डायरेक्टली सी वाला बी वाला स्किप करके डायरेक्टली ए से सी 9 पे जा सकते हैं। तो दूसरा क्या तरीका, देखो पहला क्या तरीका है कि हम ए से जाएं बी जाएं, बी से जाएं सी, सी से जाएं डी और डी से जाएं ई, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि नहीं भाई हम डायरेक्टली ए से सी जाएंगे और फिर सी से डी जाएंगे और डी से ई जाएंगे, ठीक है। तो सबसे अगर ये हम दूसरा वाला तरीका जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए से सी 9, सी से डी कितना हो जाएगा 5 और डी से ई कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अगर हम तीसरा वे चूज करें भाई तो तीसरा वे क्या है, ए से ई का हमारे पास डायरेक्ट वे है तो वो क्या है 13। तो अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये यहाँ पे एप्लीकेशन देखें, आप यहाँ पे एप्लीकेशन देखें कि हमारे पास ये क्या है कि तीनों का सम हो जाएगा, मतलब 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7 प्लस 9 गुने 5 गुने 7 प्लस 13। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, ये हमारा जो है सो आंसर इस तरह से निकल के आएगा, ठीक। ठीक है, तो आपको अब अगर इसी में अगर राउंड ट्रिप का क्वेश्चन दे दे तो सेम क्वेश्चन दे और राउंड ट्रिप, तो क्या करना है हमको, ए से ई निकाल लेना है और जो भी ये आया है इस पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो ये चीजें जो है सो ध्यान में रखना है कि कैसे हमको कहाँ कहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल और कहाँ डिवीजन रूल और कहाँ दोनों लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो एक और वे देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ए से बी जा रहे हैं, बी से हम लोग सी जा रहे हैं, सी से हम लोग डी जा रहे हैं। तो ए से बी जाने में 5 है, मतलब जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था वही है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको ट्विस्ट देंगे क्या, कि अब क्या कह रहा है कि राउंड ट्रिप विथ नो रिपीटेशन ऑफ द पाथ, ठीक है। कहने का मतलब कि हमको ए से डी जाना है और राउंड ट्रिप में क्या है, इनटू करते हैं डी से ए के लिए, राइट। इनटू क्यों करते हैं, क्योंकि राउंड ट्रिप तभी होगा जब हम लोग जाएंगे और आएंगे, दोनों करना है तभी राउंड ट्रिप होगा, इसलिए हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। अब क्या बोल रहा है ध्यान से समझो, कि सबसे पहले तुम ए से डी चले जाओ, ए से डी जाओगे तो क्या लगेगा, 5 गुने 7 गुने 9, राइट। अब बीच में तो गुना होगा, गुना कर दो। अब बताओ यार डी से ए जाने में क्या बोल रहा है कि नो रिपीटेशन ऑफ द पाथ, कहने का मतलब नो रिपीटेशन ऑफ पाथ, क्या है भाई, नो रिपीटेशन ऑफ पाथ, कहने का मतलब है कि भाई आप जिस रास्ते से गए हैं ना उधर से नहीं आना है। तो सबसे पहले देखो कि ए से बी जाने में, अब जैसे ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, तो ये हम क्या बोल रहे हैं, ये ऑप्शंस हैं,
है ना, हम लोग जब बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस, व्हाट ऑप्शंस वी कैन चूज, ठीक है, नॉट कि वी हैव चूजन। ये चीज डिफरेंस समझना है। 5 × 7 × 9 इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन गो फ्रॉम ए टू डी, ओके, ठीक है, विच वी कैन गो मतलब इट इज इट इट एक्चुअली गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ वेज, है ना, कि नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डू सच ऑपरेशंस, है ना। तो डी से ए जाने में क्या है कि एक एक ऑप्शन बस घट जाएगा, कि मतलब जो रास्ता मान लीजिए कि 9 रास्ता में रोड नंबर मान लीजिए कि ए से बी जाने में, ऐसे समझिए कि ए से बी जाने में 5 रास्ता का क्या मतलब है, कि मतलब या रोड नंबर 1 पकड़ सकते हैं, रोड नंबर 2 पकड़ सकते हैं, रोड नंबर 3 पकड़ सकते हैं, रोड नंबर 4 पकड़ सकते हैं, या रोड नंबर 5 पकड़ सकते हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि ए से बी में हम लोग 5 रास्ता है R1 से लेके R5 तक भाई, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग वो रास्ता नहीं, अब मान लो कि हम इधर से जाते समय इस 5 में से एक ऑप्शन चूज किए R1, तो जब हम लोग लौट रहे होंगे ना तो इस R1 को यूज नहीं करना है, तो जब ये यूज नहीं होगा तो हमारे पास कितना ऑप्शन बचता है भाई, 4 बचता है। इसका मतलब जस्ट एक एक घटा के हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 × 6 × 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे चीजों को मतलब समझना है, है ना, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग काम करते हैं कि एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर होमवर्क देंगे, और फिर हम लोग जो है सो अपना नेक्स्ट क्लास में फिर इसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सारा, और फिर जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि परमोटेशन कॉम्बिनेशंस का थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, वी हैव 7 सनग्लासेस इलेवन कैप्स नाइन शर्ट्स सेवन पैंट्स ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि वन आउटफिट, आउटफिट मतलब पहनावा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ऑल द एबव आइटम, वन आउटफिट हैज ऑल द एबव आइटम, क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है फ्रेंड्स कि हमको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना कि भाई तुमको सब में से एटलीस्ट एक को पहनना पड़ेगा, एक एक ठो, है ना, सब में से यूज करना है ना, तो गुना करोगे कि प्लस करोगे, गुना करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई सब में से ले यूज करना ही है, ठीक है। तो सिंपली जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 11 × 9 × 7 बात हो गया खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो, वन आउटफिट डज नॉट नेसेसरी नेसेसरी ऑल द आइटम्स। देखिए ये जो बी नंबर क्वेश्चन है इसको VIQ आप लोग मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। बोल रहा है वन आउटफिट डज नॉट नेसेसरी टू ऑल टू हैव ऑल आइटम्स। अब यहाँ पर एकदम क्लियरली समझने वाला चीज है कि बहुत सारा लोग क्या समझ रहा है कि वन जरूरी नहीं है कि सब
ये पहनवे करे, इसका मतलब कि हमको ऑप्शन नहीं दे रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। बस ये वाला लाइन आपको ध्यान रखना है। ये नॉट नेसेसरी जो है ना, सो थोड़ा खतरनाक वर्ड है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? इसको आप लोग याद कर, मतलब ध्यान में रखिए कि जो नॉट नेसेसरी है थोड़ा सा खतरनाक वर्ड है, ठीक है? अच्छा चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए जो है, सो नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वह यूज करे, इसका मतलब जरूरी, हिंदी में समझिए कि जरूरी नहीं है कि इन सभी में से यूज करे, जरूरी नहीं, तो इसका मतलब उसके पास, अगेन वी आर गिविंग द ऑप्शंस, राइट? अगेन वी आर गिविंग द ऑप्शंस फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट यू कैन चूज, आइदर यू कैन चूज और नॉर यू कैन चूज, राइट? या तो आप चूज कर सकते हैं या चूज नहीं कर सकते हैं, आइदर यू कैन चूज और नॉट। सिंपली यू कैन से नॉट नेसेसरी मीन्स आइदर वी कैन चूज और नॉट। सो अगेन इफ वी हैव सेवन सन ग्लासेस, इट मीन्स देन आई कैन चूज सेवन सन ग्लासेस और आई कैन नॉट चूज एनी ऑफ द सन ग्लासेस। देन अगेन वी हैव एट ऑप्शंस टू सेलेक्ट सन ग्लासेस, राइट? आइदर आई कैन नॉट चूज एनी वन और आइदर आई कैन चूज वन। तो अगेन वी हैव द एट ऑप्शंस। इन द सेम वे वी हैव द 12 ऑप्शंस फॉर द कैप, आइदर वी कैन चूज वन कैप और नॉट एनी कैप्स। देन द सेम वे 10 शर्ट्स एंड विद द 8 पैंट्स। तो यहां पे हमारे पास क्या है, सभी सभी जो आइटम्स हैं उनके लिए ऑप्शन दे दिया गया है कि तुम चूज करो या नहीं करो, लेकिन ये चूज करने या नहीं करने का जो ऑप्शन है इन सभी के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसलिए यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपली याद रखें एकदम क्लियरली, ये तो समझाने की बात हो गई, लेकिन एग्जाम में इतना खोपड़ी लगाने का जरूरत नहीं है। जहां नॉट नेसेसरी दिखे और जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं सबको एक का ऐड करिए और सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये क्यों हुआ है, वन वन ऐड क्यों होता है, आइदर वी कैन चूज और नॉट, ठीक है? तो चूज करने के लिए सात है और नहीं करने का तो एक के गो ऑप्शन है, इसीलिए 7 + 1 मिलके क्या हो जाता है, 8। इसीलिए हमारे पास पहला केस में क्या ऑप्शन है कि हम या तो सेलेक्ट करें या ना करें, ठीक है? तो एक हम क्वेश्चन आपको जो है सो होमवर्क में देना चाहेंगे, आप लोग करके लाइएगा और नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे तो उसमें आपसे हम ये पूछा भी जाएगा आपसे, ठीक है? मतलब ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए इसको क्लोज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, लेट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले इस होमवर्क को कराएंगे और हम जो है सो फिर जो है सो आगे बढ़ा जाएगा, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी ठीक है? सेकेंड नंबर, हाउ मेनी सेवन डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, ठीक है? ऊपर वाला ही लिख लेना है, ठीक
तीसरा नंबर देखो, सेम है। हाउ मेनी सेवन डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म। उसके बाद इसमें आ जाइए, हाउ मेनी सेवन डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। उसके बाद आ जाइए, ये जो है ना चौथा वाला, ये मस्त सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेवन डिजिट नंबर्स बिटवीन एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमको ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आप लोग को बना के लाना है, और हम जो है सो आंसर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा जो लोग बना लेंगे, है ना। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसा सेवन डिजिट का नंबर होना चाहिए कि वो 3 लाख, ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में हो, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सो बना लेंगे, है ना, और बना के बताइएगा। तो चलिए, एक हम तरीका आपको सोच रहे कि पहला क्वेश्चन एटलीस्ट बना दिया जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सवाल नोट कर लिए होगा, तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। देखिए बनाना कैसे है, सबसे पहले क्या करिए कि कितना डिजिट पूछा है, 4 डिजिट पूछा है ना, खूब एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये सब, 4 डिजिट पूछा है, राइट। तो एक डिजिट, 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले तो ये 4 जगह आप पाइप कर लीजिए, और दूसरा बात कि इन सभी के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये चारों वे हमको, ये चारों जब तक हम नहीं चूज करेंगे हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली सेइंग कि हमको 4 नंबर लेना है, तो 4 नंबर सेलेक्ट करने का जो वेज होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड विच ईच अदर, बिकॉज व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि हमको 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड करना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास नंबर चूज, अच्छा और एक चीज हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स का रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट। तो सबसे पहला हम लोग क्या बनाते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन ये हमेशा याद है, जितने भी अभी क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं उसमें क्या है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा। तो चलो, तो अब आपके पास, हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है। तो इन यहां पर इन चारों में सबसे पहले हम 7 भर देते हैं, कहने का मतलब इन 7ों में से कोई एक भी नंबर हम इस यूनिट या कोई भी प्लेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज,
कहीं से भी स्टार्ट, हम इधर से स्टार्ट किए हैं, आपको मन है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, या आप यहाँ पर कोई भी 7 को नंबर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन 7 ऑप्शंस में से कोई भी, यहाँ पे एक्चुअली हमको क्या करना है, हम लोग एग्जैक्ट नंबर नहीं ले रहे हैं कि हम ये नंबर है ना, हम लोग नंबर ऑफ वेज खोज रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं यहाँ पर इन 7 इन इन नंबर्स में से कोई नंबर लेने का, इन गिवेन नंबर्स में से नंबर लेने का। तो हमारे पास कितना ऑप्शन दिया गया है, 7 ऑप्शन है तो ले लिए। अब जब हम 7 में से कोई एगो चूज कर लिए, वही अभी जस्ट पीछे में जो हम बताए हैं नंबर ऑफ कि हमको वेज रिपीट नहीं करना है, इसका मतलब जब हम लोग एगो ले लिए तो एगो बच गया, क्या ले लिए, एगो मतलब एगो बच गया नहीं, एगो घट गया। तो अभी 7 में से जब हम एगो नंबर यहाँ डाल लिए तो हमारे पास 6 एगो ना बचेगा। और नेक्स्ट स्टेप के लिए जैसे मान लीजिए कि इस यहाँ पर 7 वेज में हम यहाँ पे नंबर चूज कर, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 8 पुट कर दिए तो 8 तो चला गया, तो इसी 1 2 3 4 5 6 गो में से ना हमको नंबर चूज करना होगा। मान लीजिए कि अगला बार हम 6 को पुट कर लिए, 6 को क्या एक्चुअली नंबर सेम होगा तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, मान लीजिए कि हम अगला जगह 5 को ले लिए तो 5 चला गया ऑप्शन में से। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4 6 मतलब 1 2 3 4 5, हम 5 तरीका से अब चूज कर पाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि अब हम अगला बार में क्या कर दिए हैं, यहाँ पर हम 2 पुट कर लिए हैं, ठीक है, तो 2 पुट चला गया, तब कितना ऑप्शन बचा, 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 5 सॉरी तो 1 3 4 और 8 है ना, तो ऑप्शन क्या बच गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो 4 × 5 × 6 × 7 इतना तरीका हो सकता है हमको यूनिट सॉरी 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, ठीक है। सात गुने 6 × 5 × 4 तो ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तीसरा चौथा प्लीज बना के रखिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो बनाते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो रिक्वेस्ट है कि हमारा हम मतलब वीडियो देखें, हमको सजेशन दें, है ना, कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक समझना है, तो ताकि हम लोग जो है सो उस टॉपिक्स को भी कवर कर सकें आपके लिए, और कोशिश करेंगे कि एकदम अपने देसी भाषा में समझाएं, अपने तरीका में समझाएं, ताकि जो है सो अच्छे से जो है रिलेट कर पाए, है ना। तो कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग टिल नाउ, हैव अ नाइस डे, बाय।